यहाँ से लेना पड़ेगा राइट, कोई लोग नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? होप यू ऑल एक्सट्रीमली वेल। सो गाइस, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई NS200 का सिटी का परफॉर्मेंस कैसा होता है। सो इसके लिए ये वीडियो आज बना रहा हूँ। एंड भाई, मैंने तो वीडियो बना ही चुका हूँ मॉर्निंग को। ये अभी जो क्लिप ले रहा हूँ, ये तो शाम के टाइम पर ले रहा हूँ। सो आप लोग मॉर्निंग से वीडियो को एंजॉय करो, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना भाई। अभी दबा दो भाई, लाइक का बटन दबा दो एंड वीडियो एंजॉय करो भाई। चलो भाई साहब, बोल दे कि जाओ सुबह से वीडियो देखो। अभी बज रहे मॉर्निंग का 11:31 AM एंड अभी पहले चलते हैं पेट्रोल पंप, वहाँ से जाके इसको रिफ्यूल करवाएंगे एंड फिर आज जाएंगे नहीं कहीं पे, बस सिटी में ही थोड़ा सा ऐसा घूमेंगे। एंड टाइटल तो देख ही लिया होगा, सिटी परफॉर्मेंस NS200। जी हाँ, ऐसे ही सिटी में ही रहेंगे। एंड शांतनु भाई का वहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम चल रहा है, तो उसको आने दो, फिर जाएंगे दोनों पेट्रोल पंप। तो यहाँ से अभी निकलते हैं। Unknown brain. तो भाई, इसका जो RVM जो डैमेज हो गया था, हमने फिर से नया करके लगवा दिया है दोनों साइड में RVM। आजकल के बाइक में जो ABS जो सिस्टम जो आ गया है ना भाई, सिटी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है भाई जो ABS होता है। एंड यहाँ पे ट्रैफिक में फंसने का संभावना लग रहा है। तो भाई, बहुत लोग जो कमेंट्स करते हैं भाई NS200 का FI वर्जन कब आएगा, तो उसका डेट अभी तक कंफर्म हुआ नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैंने कांटेक्ट किया है, वहाँ से मुझे पता चला कि बजाज इसको BS6 में लॉन्च करेगा, मे बी दिसंबर के एंड में। एंड हो भी सकता है BS5 में ही लॉन्च कर दे, लेकिन पूरा संभावना है कि भाई BS6 में इसको लॉन्च कर देगा भाई। जिन लोगों को नहीं पता भाई कि FI होता है क्या भाई, वो उसका होता है फ्यूल इंजेक्शन। ये वाला जो NS है, ये है कार्बोरेटर। तो इसमें जो इंजन में जो ऑयल जो जाता है वो डायरेक्टली जाता है, लेकिन जो FI वर्जन होगा उसमें जो पेट्रोल है वो थोड़ा छन के जाता है पूरा अंदर। एंड उसमें आपको माइलेज भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से बहुत सारे NS लवर्स उसका वेट कर रहा है कि भाई FI वर्जन कब लॉन्च करेगा, बट बजाज ने अभी तक कंफर्म बताया नहीं कि उसको कब लॉन्च करेगा। भाई मुझे भी उसका वेट है भाई, एंड जब लॉन्च करेगा तब शायद इस चैनल में आपको सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे भी लगता है। तो आप चैनल पर बने रहो, एंड कोई अगर नया यहाँ पर आया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। तो भाई, बाइक रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। एंड भाई, वीडियो देख रहे हो तो लाइक भी ठोक दिया करो, ताकि वीडियो बनाने में थोड़ा हमको भी मोटिव मिले। एंड जो NS200 का जो एक FI वर्जन जो है, उसका एक फ़ोटो मैं सामने लगा दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हो कि कुछ ऐसा है दिखने में, पल्सर का NS200 FI वर्जन। वीडियो में भर भर के कमेंट्स आते हैं भाई कि कब लॉन्च होगा, तो कब लॉन्च होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई, जब भी आएगा इस चैनल पे सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगा आप लोगों को। सो भाई, जल्दी इस बाइक का भी एक फुल रिव्यू मैं दूंगा आफ्टर 1 मंथ, कि भाई बाइक में क्या क्या चीज़ अच्छा है, क्या क्या बुरा है, मतलब मुझे क्या बुरा लगा। तो सभी मिला के एक वीडियो आएगा, प्रॉपर वीडियो, कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसका प्रॉपर एक वीडियो आएगा। तो बने रहियो भाई चैनल के साथ। एंड पहले का जो NS200 हुआ करता था, मतलब ब्रेकिंग का बहुत ज़्यादा उसमें इशू था, मतलब बहुत सारे कंप्लेंट्स आते थे जब इस बाइक में ABS था नहीं। मतलब वो वाला जो बाइक था ना पहले का, जिसमें ABS नहीं था NS में, वो वाला बाइक रास्ते को पकड़ते हुए नहीं चल रहा था, मतलब ब्रेकिंग का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। एंड जब से बजाज ब्रेकिंग में ध्यान देने लगा, तब भाई इसका जो सेलिंग जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा होने लगा। तो यहाँ से लेना पड़ेगा राइट टुवर्ड्स राजगढ़ रोड। रुक जाओ मैजिक वाले भैया, रुक जाओ, हमको भी जाने दो।
तो मैं जितना हो सके इसको ट्रैफिक में चलाने का ट्राई करूंगा, बिकॉज बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई इसका ट्रैफिक में ब्रेकिंग का भी थोड़ा ये दिखाओ, ट्रैफिक में प्रॉब्लम होता है कि इसको चलाने में। तो भाई नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बिंदास जा रहा है गाड़ी। हाँ एक चीज़ है भाई, अगर इसका जो पीछे का भी जो ब्रेक है उसमें भी अगर ABS डाल दिया जाए ना तब सही होगा ना शांतनु भाई, दोनों अगर ब्रेक में ABS डाल दिया जाए तो तब अच्छा होगा। I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away. देंगे भाई 10K का पार्टी जरूर देंगे, एक साल से ये लोगों को बोल के रखी भाई 10K में हम पार्टी देंगे तो देंगे भाई। सो भाई का बर्थडे 24 में, यहाँ पे पार्टी एडवांस में लेने के लिए आया पार्टी, इस बार अगर पार्टी नहीं मिला ना तो यहाँ पे खोन के रख दूंगा। सो भाई के साथ यहाँ पे आया था थोड़ा सा ऐसे मुलाकात करने के लिए, अभी यहाँ से निकलते हैं भाई। एकदम हल्की बाइक है भाई, इतना ज़्यादा वेट भी नहीं है, बैठ जा शांतनु बेटा। यहाँ से अभी जाएंगे टीवी टावर, थोड़ा सा कुछ फोटोशूट वगैरह है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई कितने के पड़ी ये बाइक, सो डिलीवरी के वीडियो में मैं नहीं बता पाया, तो ये पड़ा था 1,34,000 ओनली आफ्टर दिवाली डिस्काउंट। तो बाइक का फास्ट सर्विसिंग आने वाला है 500 किलोमीटर में, तो ओनली 50 किलोमीटर लेफ्ट, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो भाई बाइक बहुत ही ज़्यादा कम चला है, बिकॉज़ हमारे शांतनु भाई इतना ज़्यादा इसको चलाते नहीं है, बस गली गली में लेके घूमते रहते हैं भाई साहब। लोग होना चाहिए ऐसे भाई शांतनु भाई की तरह, लाइसेंस नहीं है इसलिए गाड़ी भी निकालता नहीं है इतना ज़्यादा, पकड़ लिया तो भाई जितने की बाइक नहीं है उतने का चालान कट जाएगा भाई का। टीवी टावर से आ रहे तो यहाँ से मत जाना, यहाँ से रॉन्ग वे है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ से सीधा ऊपर तक चले जाते हैं, लेकिन यहाँ से जाना मत भाई, रॉन्ग वे है। नहीं जाने का ना, टर्निंग है आगे। यो हाँ मैंने बोला कि नहीं जाने का आगे टर्निंग है, तो भाई साहब देखो बस के पीछे, यो थम्स अप। हाँ नहीं जाने का, अरे होगा रे बाबा, होगा इतना काय को दिखाने का उंगली। सो यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी फोटोशूट वगैरह चलेगा, तो मिलते हैं भाई थोड़ी देर के बाद, चलो। तो पहले भी मैं यहाँ पे एक बार आ चुका हूँ, वीडियो भी आप लोगों ने शायद देख लिया, फिर से देखते भाई कैसा है। ओ सही प्लेस है भाई, बहुत सही प्लेस है, शांति शांति भाई। मैं तुझसे पहले यहाँ पे आ चुका हूँ, मैंने ही ढूंढ के दिया भाई ये जगह, नहीं कैमरा उस तरफ नहीं करते चल के देखते यहाँ पे थोड़ा भाई। हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोई लोग नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, ऐसा ही तो जगह चाहिए भाई। और इधर आगे जंगल तो देख ही रहे हो,
एंड मेक श्योर मैं इन पैर पत्तों का कलर थोड़ा अलग कर दूंगा, जो अभी जो आप कलर देख रहे हो पैर पत्ते का। तो ये सारे कमाल है हमारे लट्स का, शांतनु भाई का कॉमन डायलॉग, 200-300 ज़्यादा ले लो, फोटो खिंचवा दो। तो गाइस फोटोशूट्स वगैरह हो गया डन, अभी यहाँ से निकलते हैं। तो भाई आज का जो ये वीडियो था कैसा लगा बताना नीचे कमेंट पे। एंड भाई मुझे सिटी में चला के इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा क्या, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम ही फील नहीं हुआ भाई। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही था। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ठोक के जाना भाई, एंड चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब भी करके जाना, बिकॉज और भी लॉन्ग राइड्स वगैरह का वीडियो आने वाला है। एंड कुछ दिन बाद और भी एक नया सदस्य इस फैमिली के साथ जुड़ने वाला है, वो क्या होने वाला है अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हो तो आप लोगों को शायद पता ही होगा। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई यहाँ पे आ रहा होगा आईडी, वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। एंड तो अभी यहाँ से निकलते हैं, एंड आज के लिए इतने भाई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय।